कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच 21 दिन के लॉकडाउन के बाद पुलिस के अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। कहीं पुलिस मजबूरों को खाना खिला रही है तो कहीं बाहर निकलने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की लापरवाही का चेहरा भी सामने आया है। ऐसे में वेस्ट दिल्ली की दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ उत्तम नगर इलाके में पुलिस बेवजह बाहर निकलने वाले युवकों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उठक बैठक करवा रही है, वहीं जनकपुरी इलाके की भी तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को डीटीसी बस में चढ़वा रही है। भीड़ से खतरा भी बना हुआ है, लेकिन कैमरा चलता देख ट्रैफिक पुलिस ने इनको बस से नीचे उतार दिया। कोरोना वायरस चल रहे हो तो पुलिस वाले सब ने बैठा रहे हैं, उनके कहने पे नहीं आप क्यों बैठा रहे थे? आप इस तरह से आपको खुद सोचना चाहिए ना भाई, पीएम का ड्यूटी कर रहे हैं सर, जैसे बोलोगे हमें तो पीएम मिला है। हमें तो पीएम ने भी जिस तरह से ऐलान किया है कि इसके लिए दूरी बना के रखना चाहिए, फिर भी आपको खुद ही सोचना चाहिए। मना कर रहे हैं हम थोड़ी ना, रेड्डो साहब आए थे ठीक है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैठा है मेरे पास, उन्होंने बोला भी बात करनी है ठीक है, बात कर रहे थे दरवाजा खुला, सारे दरवाजे अंदर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सारे बिल्कुल डिस्टेंसिंग करा दी है, इसमें देखिए जो बसें हैं इसमें डिस्टेंसिंग करा दी है इन लोग। आ जाओ बेटे, चलो। जिस तरह से पीएम का ऐलान है और खुद मना किया गया, तो आपको खुद ही समर्थन करना चाहिए उस चीज का। ये आदेश का समर्थन कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कर दिया जैसे पढ़ाई करना था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा, लेकिन कोरोना के कारण बेरोजगार हुए भूखे लोगों को रोकना बड़ी चुनौती है, जिसके कारण भीड़ जमा हो रही है, जो कोरोना के खतरे को नहीं समझ पा रहे।